corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. महिला अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए, ऐसे सब लोग कहते हैं। मगर जब कोई महिला अपने जीवन में घटी हुई घटना को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है तो क्या समाज शासन उसे मदद करता है? मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हेमाली काय नाम की दलित महिला, उसके जिंदगी में सब कुछ छीन लिया, फिर भी जगने के लिए गाँव में भी भीख मांगती है और रहती। तुमचा नवरा मेलेले किती वर्ष झाली? झालं की 20 वर्ष। तू सासरे का राहत नाही? आता ती मेल्यावर मी इथं तिथं कसं माहार आहे। तू कामासाठी ग्रामपंचायत मध्ये अर्ज केलता? हो केलता। की तुला काम नाही दिलं? नाही काय, असंच मागून खाती तुकडा पाणी। क्या आप बता सकते हैं विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए कुछ योजना है उसके बारे में? एक निराधार योजना है जो महिलाओं को हर महीना 500 रुपये मिलता है, और दूसरी घरकुल योजना जो महिलाओं को घर बांधते देते हैं। और ये जो योजना है ये जिनको उसकी ज़रूरत है उन तक पहुँचती है? हाँ पहुँचती है। और ये जो बीपीएल का कार्ड है वो क्या जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है उनके पास है? है, मिलता है उसको। या किसी विधवा गरीब औरत ने अगर काम के लिए अर्ज दाखिल किया तो उसे काम मिलेगा? मिलेगा। आपके गांव में जो हेमाली काय नाम की जो औरत है उसे कुछ योजना का लाभ मिला क्या? नहीं मिला। सरकार ने ये जो योजना बनाई है वो उन तक नहीं पहुंचती जिसको उसकी ज़रूरत होती है। इसका जीता जागता उदाहरण है हेमाली काय, जिसे किसी योजना का लाभ नहीं मिला। इसलिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि सही ज़रूरतमंद वालों को इस योजना का लाभ मिल सके। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के सुकलवाड़ी गाँव से, इंडिया।